हेलो फ्रेंड, तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज के बारे में। तो भारतीय विद्यापीठ कॉलेज के बारे में बात करें तो भारतीय विद्यापीठ का खुद के बहुत सारे कैंपस अवेलेबल हैं। भारतीय विद्यापीठ का जो कैंपस अवेलेबल है हमारा, वो दिल्ली और पुणे के लोकेशन में। तो आज हम बात करेंगे पुणे वाले लोकेशन के बारे में कि भारतीय विद्यापीठ का जो NRF और NAC उसके रैंकिंग क्या है और इसमें एडमिशन कैसे होता है और इसका प्लेसमेंट कैसा है। जो भारतीय विद्यापीठ कैंपस है ये आपका प्राइवेट है पहली बात तो, और भारतीय विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है आपका डीम्ड है, और ये जो यूनिवर्सिटी है आपका लोकेशन इसका अवेलेबल है इसका पुणे महाराष्ट्र में है। अगर इसके यहाँ बात करें जो कोर्सेज का, तो इसके पास BTech है, MBA है, फार्मा है एंड बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर बात करें ओवरऑल NRF रैंकिंग की, तो BTech का इसका जो NRF रैंकिंग मिला है 2020 में, इसका जो है 298 जो NRF रैंकिंग। और पूरे यूनिवर्सिटी में बात करें तो इसका जो यूनिवर्सिटी का जो स्थान है 2020 में 63 नंबर पर है पुणे वाले कैंपस के लिए। ये इंजीनियरिंग का जो इसका रैंक है NRF 99 है। फार्मेसी का जो रैंकिंग है इसका 22 है NRF रैंकिंग। एंड उसके बाद बात करते हैं हम इसके यहाँ एडमिशन कैसे होता है। इसका जो एडमिशन होता है, भारतीय विद्यापीठ का खुद का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस फॉर्म के थ्रू बच्चे काउंसलिंग करवाते हैं, उनका खुद का एडमिशन होता है। उसके अलावा इस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन अवेलेबल है। देन उसके बाद हम पूरे कॉलेज की ओवरव्यू की बात करते हैं। तो ओवरव्यू इसका मैं ये दूंगा कि कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, आप इस कॉलेज को जरूर चूज करो। कॉलेज का पढ़ाई, फैकल्टी, प्लेसमेंट एक नंबर है और बहुत ही बढ़िया है। तो आप अगर महाराष्ट्र का प्लान कर रहे हो तो भारतीय विद्यापीठ का प्लान बनाओ। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज बहुत ही बढ़िया है और इसकी ओवरव्यू बहुत ही बढ़िया। बाकी आगे का वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर